तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल अर्निंग में। दोस्तों, आरबी ट्रम्प का जो ओडीसी वीक चल रहा है उसका वीक 7 आना है। 7 वीक तक हमें टास्क करने होंगे और अभी उसका सेकंड वीक आ चुका है। 7 वीक में से दूसरा वीक आ चुका है। पहला वीक हमने कंप्लीट कर लिया है और दूसरा वीक आ चुका है। दूसरा वीक अभी देख सकते हो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 7 अक्टूबर तक चलेगा। 8 अक्टूबर तक इसके बैचेस क्लेम होंगे। तो 8 अक्टूबर से पहले पहले हमें तो बहुत जल्दी कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मार्केट क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ सब लोग आ रहे हैं इसमें, और उस वक्त क्या होगा, सर्वर का प्रॉब्लम और बहुत सारे किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी करने हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट जो है तीसरा वीक शुरू होने में सिर्फ 6 दिन और 10 घंटे बचे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सर्वर का इशू होता है। ओके, इसलिए हमें जल्दी यहाँ पर कर लेने हैं और मैं आपको इसमें फोर्स करूँगा कि आप इसको कीजिए। अगर $2-5 का आपको यहाँ पर फीस लग रहा है तो वो कहीं से जुगाड़ करके आप कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत तगड़ा वाला बेनिफिट होगा। यहाँ पर कम से कम $3,000 से $5,000 का आपको बेनिफिट हो सकता है। अब टास्क की डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, 2 टास्क है, एक तो टोफू NFT की तरफ से है और दूसरा यहाँ पर देखिए अबॉर्ड एक्सचेंज, अबॉर्ड या जो भी है तो इसकी तरफ से है। पूरा डिटेल है यहाँ पे। टास्क कंप्लीट करके यहाँ पर एक बैज क्लेम करना होगा दोनों में एक एक करके गैलेक्स के अंदर। ओके, अभी दोस्तों मेटा मास्क आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको पता ही होगा। और मेटा मास्क मोबाइल यूज़र हो तो कीवी ब्राउज़र, इंडेक्स ब्राउज़र या सबसे बेटर होता है माइसेस ब्राउज़र पे यूज कीजिए, ठीक है। और नेटवर्क आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आर्बिट्रम का, ठीक है। जैसा कि मैंने देखिए आर्बिट्रम 1 सेलेक्ट करके रखा हुआ है और आर्बिट्रम के ETH में कुछ बैलेंस होने चाहिए। जैसा कि मेरा देखिए यहाँ $9+ यहाँ पे ETH है आर्बिट्रम नेटवर्क में। ओके, इतना काम हो गया। देन आपको कहीं से भी, या तो आप ऑल्टो फाइनेंस से या फिर Layer 3 से कहीं से आप स्वाप कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आपको आर्बिट्रम के ETH से स्वाप करना है USDC या फिर USDT, जो भी चाहो आप कर सकते हो। जैसा कि मैं आर्बिट्रम USDC है तो USDC को मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ USDT, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे USDT, देखिए USDT, अब ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी पता चलेगा। अब इससे आपका Layer 3 भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पहले कर लेते हैं रिव्यू रोट कर लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं USDT को USDC, ये आपको भी काम करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, और हाँ, USDT वो भी आपका आर्बिट्रम नेटवर्क में USDT होने चाहिए। और आप 1.5, जैसा कि 1.5 में यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए मेटामास्क में ट्रांजेक्शन चला गया है, यहाँ पे $10 के अराउंड लग रहा है, ₹10 के अराउंड यहाँ पे फीस लग रहा है। तो फीस देके हम लोग इसको स्वाप कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्वाप हो गया, अब यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारा अभी USDT 1.57 बन चुका है। ओके, अब यहाँ हमारा 2 टास्क था। पहला टास्क क्या है, अबॉर्ड एक्सचेंज पे हमको यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने हैं। अब टास्क यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे गैलेक्स पे जाओ जहाँ पे ऑट क्लेम होता है या फिर कह सकते हो बैच क्लेम हो रहा है, ठीक है, ये वाला बैच आपको मिलेगा, देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो इस बैच को क्लेम करने के लिए देखिए 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो यहाँ पे मेक ए परपेचुअल ट्रेड, एक तो आपको वही जैसा कि ऑप्शन ट्रेड जैसा कि यूज़ करते हो या फिर लिवरेज ट्रेड, वैसा करना है किसमें, अबॉर्ड एक्सचेंज में। और यहाँ पे अबॉर्ड एक्सचेंज में कुछ फंड आपको डिपॉजिट करने हैं आर्बिट्रम नेटवर्क पे, ठीक है। ये 2 टास्क है, तो पहले डिपॉजिट करेंगे फिर हम लोग एक ट्रेड भी करेंगे यहाँ पर। तो अबॉर्ड एक्सचेंज पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए इस तरीके से कनेक्ट वॉलेट रहेगा पहले अपना। अब मेटामास्क वॉलेट जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट आपने कर लिया, ऊपर देखिए एक जगह यहाँ पर आपका एड्रेस दिख जाएगा। इधर देखिए एड्रेस दिख गया, आर्बिट्रम नेटवर्क का आपको सिंबल दिख जाएगा, दैट मीन्स आपका यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा इस तरीके से करोगे, इधर देखिए एक जगह आपको मिल रहा है डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे आपको जाना होगा दोस्तों। डैशबोर्ड में यहीं पे आपको पहले डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर करने होंगे डिपॉजिट, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब देखिए इधर यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला परपेचुअल अकाउंट है ना यहाँ पर, और नीचे ये डिपॉजिट है, तो आपको USDT वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। USDT, अब यहाँ पर डिपॉजिट है, डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर देखिए USDT जितना बैलेंस है मेटामास्क वॉलेट पे वो शो हो गया। तो मैं यहाँ पे
ऑल कर लेता हूँ, अप्रूव करके इसको डिपॉजिट कर लेता हूँ। देखो डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें भी 0.08, मैं अगर एग्रेसिव पे क्लिक करूँ तो फिर भी उसमें 0.08 यानी कि 2-3 रुपये कह रहा हूँ यहाँ पर लग रहा है हमारा फीस, ठीक है, 2-5 रुपये के मान लीजिए। तो ये देखिए डिपॉजिट हो चुका है। अब इसको जब भी चाहो आप इसको यहाँ से विड्रॉ भी कर लोगे, ठीक है, विड्रॉ भी यहाँ से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए हमारा ये डिपॉजिट हो चुका है ना। अब डिपॉजिट जैसे ही हो गया फिर से वापस क्या करना है, उसी जगह पे आपको जाना है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको ये सब दिख रहा है। अब इधर देखिए परपेचुअल पे आ गए, इधर ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी पेयर आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कोई पेयर, जो भी पेयर आपको अच्छा लगता है वो पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक ट्रेड आपको ओपन करना होगा यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसमें, ठीक है। तो ट्रेड ओपन करने के लिए देखिए इधर इधर यहाँ पर आना है, ये वाला यहाँ पर सारा आपका यहाँ पे खेल होगा। सबसे पहले तो क्रॉस यहाँ पे क्रॉस करोगे तो आपका सारा बैलेंस यूज़ होगा, और यहाँ पे कितना एक्स लेना चाहते हो, मैं 25x कर लेता हूँ लेवरेज, 25x कर लिया। LTC USDC है, अब मैंने USDT यहाँ पे डिपॉजिट किया था, USDC यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। आप USDC अगर डिपॉजिट करोगे ना तो वो USDC डिपॉजिट नहीं लेगा। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए इधर डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट ये देखिए यहाँ पर USDC है पहला वाला, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे जाऊँ तो देखिए USDC यहाँ पे शो नहीं करता है, ठीक है, इसलिए USDT कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको USDC बना देंगे। अब इधर क्या है, पहले तो लिमिट है, मार्केट पे आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर मार्केट पे करना है, ठीक है, मार्केट पे USDC साइज कितना आप करोगे, मैं यहाँ पे 100% यहाँ पे साइज़ बना लेता हूँ 100% का, ठीक है, और यहाँ पर प्लेस मार्केट ऑर्डर इसमें क्लिक कर देता हूँ। प्लेस मार्केट ऑर्डर पर क्लिक कर दिया, थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और इधर देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये चार्ट, इसको अगर जूम करोगे तो इधर देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर आपका लग चुका है, और चार्ट के बीचों बीच भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, देखिए ये वाला, यानी कि आपका ऑर्डर लग चुका है, नीचे भी ऑर्डर दिख रहा है, ये ऑर्डर लग गया हमारा। अब अगर गैलेक्स पे आओ तो हमने डिपॉजिट भी कर लिया है और ट्रेड भी कर लिया, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, तो देख सकते हो हमारा डिपॉजिट वाला अभी टिक लग चुका है ये, लेकिन अभी परपेचुअल वाला नहीं लगा है, ये अपडेट होता है मैनुअली, तो 2-5 मिनट का वक्त लगेगा। जब वीडियो शुरू कर रहा था तो यहाँ 5,000 लोग थे, अभी 6,000 हो गए हैं, बहुत तेजी के साथ लोग आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो आपको वो टाइम दे देना है, ओके। तो यहाँ पर बार बार आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप रिफ्रेश करते रहिएगा, इतना आपने कर लिया, ठीक है, आपका यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है। जैसे ही ये हो जाएगा इसको यहाँ पर क्लेम एलिजिबल आ जाएगा, इधर आप क्लेम कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक, और जितना जल्दी कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कहा क्या है कि आपको मैक परचुअल ट्रेड ओवर एक्शन, मतलब एक ट्रेड ओपन करना है। अब जो हमने ट्रेड ओपन किया था उसको अगर आप क्लोज़ करना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ट्रेड को क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो इधर ही जहाँ पर आपने ट्रेड लगाया वहीं पर देखिए एक क्रॉस का चिन्ह आपको दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल में वो छोटा दिखता है, तो इस क्रॉस वाले चिन्ह पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है, और वहीं से आपका ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ फटाफट से देखिए हमारा यहाँ पे NFT दोनों यहाँ पे टास्क टिक हो चुका है, और NFT को भी हम क्लेम कर लेंगे हाथों हाथ दिखाते दिखाते, ठीक है। तो अभी क्या है, एक बार आपको ट्रेड ओपन करके ट्रेड को क्लोज भी कर देना है, ट्रेड को जैसे ही क्लोज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये NFT आपका क्लेम हो जाएगा दोस्तों, ओके। और जब NFT क्लेम करोगे तो उसमें भी थोड़ा सा फीस लग रहा है, आर्बिट्रम ETH, तो वो भी आपको फीस देने हैं, ये भी करीब 5 रुपये के करीब लग रहा है, तो इसको भी आप दे दीजिएगा, ठीक, इतना काम आपका कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर जो डिपॉजिट किया था वो बैलेंस यहाँ से इस तरीके से विड्रॉ कर लेंगे, टोटल जितना भी बैलेंस है यहाँ पर हमने डाला, विड्रॉ पे क्लिक किया, और बैलेंस अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके विड्रॉ भी हो गया, ओके। तो पहला टास्क तो हमारा हो चुका है, दूसरा टास्क क्या था ये वाला, पहला है हालांकि हमने पहले अबाउट वाला किया,
टोफू एनएफटी, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं टोफू एनएफटी में क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके गैलेक्स में जाओगे तो यहाँ पर दो चीज़ कह रहा है, एक तो ट्विटर को फॉलो करना है, ये तो हो जाएगा, दूसरा क्या है यहाँ पर कहा है कि सेल और बाय एनएफटी एट द टोफू एनएफटी मार्केट प्लेस, यानी कि सेल करो या बाय करो, दोनों में से कोई भी एक करो चलेगा, दोनों करना ज़रूरी नहीं, सेल और बाय कहा है, ठीक है, तो टोफू एनएफटी मार्केट प्लेस से कोई भी एनएफटी, अब कोई अमाउंट भी यहाँ पर फिक्स नहीं बताया, कुछ भी अमाउंट का होना चाहिए। तो ये है टोफू एनएफटी मार्केट प्लेस, यहाँ पर आना है। सबसे पहले तो आपको अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, अपना वॉलेट मेटामास्क इस तरीके से कनेक्ट करोगे और आर्बिट्रम नेटवर्क पे ही करना है, सब काम आपका आर्बिट्रम पे होगा, ठीक है। तो देखिए टोफू में हमारा आर्बिट्रम नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब नीचे ये सब जो कलेक्शन है यहाँ पर चेक करना है, तो मैंने देखा एक बहुत ही सस्ता वाला, इधर ये आई एम टोकन आर्बिट्रम, ये वाला, ठीक है, इसमें आपको जाना है। यहाँ पर बहुत सारे एनएफटी मिलेंगे, एकदम बिल्कुल लो लो रेट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है कि सबसे कम में किधर मिलता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक एनएफटी जैसा कि मिला है, वेरीफाइड एनएफटी है, 0.0003 ETH, ठीक है, तो इसी को हम लोग बाय कर लेंगे और बाय करके सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सेल करना भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आए और देखिए 0.5, तो हम ये इसी प्राइस पे इसको अभी कर लेंगे सीधा सीधा बाय। दोस्तों इस तरीके से क्लिक किए, कंटिन्यू करेंगे, बाय प्राइस देख लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए बाय, और एक ट्रांजैक्शन फिर से जाएगा, पहला साइन इन ट्रांजैक्शन रहेगा, दूसरा कंफर्मेशन ट्रांजैक्शन रहेगा, तो हमने इसको कर लिया इस तरीके से कन्फर्म। टोटल $0.78 का आर्बिट्रम नेटवर्क का ETH हमारा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखिए हमारा NFT हो चुका है डन। अब NFT को हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर आइटम्स पे क्लिक कर देने हैं, आपको माई NFT यहाँ पर दिखेगा ना, तो आइटम्स इस तरीके से क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आपका यहाँ पर आइटम जितने भी हैं वो सब देखने को अभी मिलेगा। ये देखिए आपका ये वाला मिला है, तो फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस एक्सेप्ट, और यहाँ पर कोई भी प्राइस आप डाल दीजिए, जैसे कि हमने 0.0003 में ख़रीदा, 0.001 कर देंगे, ठीक है, इतना ये हो जाएगा सेल, अभी बहुत सारे लोग ख़रीद रहे हैं तो ये हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो 0.0009 कर सकते हो, ठीक, इतना कर लिए। नीचे यहाँ पर सेल रहेगा, सेल पे क्लिक कर देना है आपको, और ये देखिए अप्रूवल यहाँ पे कंप्लीट करना है, कंफर्मेशन कंप्लीट करना है, थोड़ा सा रेट दिखेगा, देखने दीजिए, अप्रूव कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर, बाद में आप इसको रिवॉक भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साइन पे क्लिक किए दोबारा से, कंफर्म लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, मैं आपको देखिए ये सब सीखने वाली चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये सब पता नहीं होता है कि किस तरीके से NFT को सेल वगैरह करने हैं, तो ये सब अगर देखोगे तो ये सब में आपको एक तरीके से नॉलेज मिलता है। आपके पास और भी तो यहाँ पर NFT होंगे जिसको आप सेल करना चाहते हो, तो हमारा यहाँ पर सेल पे फिक्स प्राइस पे लग चुका है, ठीक है, बस इतना ही आपको करना था। अभी देखिए 0. कितने में हमारा लगा है, 0.0009 यानी $1.5 में, तो ये हमारा सेल हो जाएगा। अब चलते हैं टास्क में, अगर यहाँ पर आते हैं तो पहले ट्विटर वाला इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और नीचे फिर जो है सेल वाला, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो अभी ट्विटर वाला हो चुका है और ये 5-10 मिनट में ये जो NFT वाला है ये भी हो जाएगा, ये अपडेट जैसे ही कर देंगे ये भी हो जाएगा। तो होपफुली हमने जो दो टास्क आर्बिट्रम ओडिसी के थे दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। तो बस दोस्तों आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट न्यू एयर ड्रॉप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।